एवरीवन, दिस इज नावकर उपकादी। तुसी सारे जाने वधिया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं पा रहे, कि ऑल गुड। यस, एवरीथिंग इज़ गुड। इट जस्ट के एज यू ऑल गाइस नो दैट के करम दा बर्थडे 16 नो, सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हाँ, कदे कुछ करना कदे कुछ करना, तो उन्हां दीआं तैयारियां दे विच ही लगी हुई हैं। सो मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं व्लॉग व्लू शूट करा, तो अज मैं 3 पार्सल रिसीव हुए। सो मैं सोचा कि इन्हां दी अनबॉक्सिंग ते ही तुहाडे नाल गल्लां हो जाणगियां ते तुहाडे ते व्लॉग भी बन जूगा। सो फस्ट आ वाला जिहड़ा पार्सल आ, ये मेरे मम्मा ने भेजा एज करम दा बर्थडे आ। सो मैं मम्मा नूं कह सका कि थोड़े जे कपड़े भेज दियो, ठीक है, तो उतों की ही आना है ना। सो उन्होंने मतलब मैनू जड़े जड़े सोहने लगे, सो उन्होंने वो भेजे। सो इन्हों दोनों के विच भी मैं कुछ मंगवाया, आई चेक, मैनू भी याद नहीं है की मंगवाया, क्योंकि इट्स बीन लाइक 2 वीक्स कि मैं ऑर्डर किया हुआ सी। सो लैट्स गेट ओपन, लाइक ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा थकी क्योंकि मैं काम तो आई सी, ते काम तो आंदे फिर मैं थोड़ा जिहा शॉपिंग करन जाना सी, करम एज करम दे लई शर्ट लेनी सी जो उन्होंने बर्थडे ते वेयर करनी, ते मैनू कसम ना कुछ नहीं पसंद आया। मैं टीपीओ दी हर एक शॉप ते जाए ही हाँ, चाहे वह बॉस होवे, चाहे वह सीके होवे, चाहे वह टॉमी होवे, चाहे वह गुची ते तो नहीं मैं गई ते अरमानी होवे, पोलो होवे, मैनू नहीं कोई शर्ट पसंद आई। ऑनेस्टली एक ना तो उनका कपड़ा वधिया ही, तो ना मैनू कलर टैक्सचर जहाँ वधिया लगा, पोलो तो सिर्फ ग्रीन कलर जीआं पईआं सी। सो आई डोंट वॉन्ट टू गिफ्ट हिम अ ग्रीन कलर बिकॉज लास्ट बर्थडे ते भी मैं ग्रीन ही उन्होंने लाइक गिफ्ट किया सी। सो दिस टाइम मैं कोई ऑनेस्ट कोई गिफ्ट नहीं लिया हाले तक, वो वाले गेम्स तो इलावा मैं कोई गिफ्ट नहीं लिया हाले तक करम दे लई, ते ना ही मैनू समझ आ रहा कि गिफ्ट की लैना, बट मैनू एक चीज़ जरूर समझ आई है, तो वह वाली मैं कल काम तो आँदे आँदे लैके आऊँगी, तो वह वाला गिफ्ट लैके आऊँगी, तो उनका मैं व्लॉग हाले तो पा नहीं सकती क्योंकि करम पता नहीं माइट भी देखण के नहीं देखण। तो चलो उस आप बॉक्स अनबॉक्सिंग कर दें इनकी पहला, जब पहले इन्होंने उन्होंने भी करिए। ओके, अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो 80-90 पूरे 100-100 मिल लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी बैठी थी जुड़ा करके बैठी थी, चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेशरम। ओके, सो पहला इनू अनबॉक्स कर रहे आप। सो मैंने लगता है इनू अनबॉक्स करांगे, तो नाल आप आवले अनबॉक्स करांगे, आवले दी अनबॉक्सिंग आप कल करांगे। सो मैं तुहानू इंदा कल दिखाऊंगी कि ए वाला कल मम्मा ने की भेजा। सो लेट्स गेट वट। चलो सो इनू स्टार्ट कर दें आप। ये भी मैं टेमो तो ही मंगवाया सी, ठीक है, तो मैं सो ए वाला भी मैं टेमो तो ही मंगवाया सी, एंड मैनू कॉस्ट कूस्ट नहीं याद की हैगा, बट लेट्स सी, बहुत चंगी तरीके ना पैकिंग की हुई है। ओके लेट्स सी कि की हैगा, मतलब अमेजोन का इदा होंगे, मेरे को अमेजोन प्राइम आ, सो मैं अज मंगवानी है तो कल मैनू आ जाता वा, तो मैनू याद रहा वा कि मंगवाया सी, इन्दे च मैनू याद नहीं हैगा कि मैं की मंगवाया सी इन्दे च, तड़े च तड़ेगा। ओके आप चाइनीज नू जिन्ना मर्जी गाला कढ़ लिए चीनिया नू, बट उन्हां दे जो प्रोडक्ट है ना दे आर नाइस। ओके अच्छा हाँ, मैं ऑलरेडी एक ऑर्डर किया सी अमेजोन तो फूड डिस्पेंसर, सो मैं वो वाला मैनू अराउंड 70-80 डॉलर दे पिया सी, ते ए वाला मैनू अराउंड 45 दे पिया। सो मैं इतना मंगवाया कि मैं चेक कर दी हाँ कि इन दोनों की क्वालिटी किसी हैगी बैटर। सो मैनू ओपन कर दें आप, मैंने ऐसा कि चलो आप सारिया मतलब लाइक किचन ऑर्गेनाइज कर दें प्रॉपर। ओके
cooking. Okay. ठीक है, वो $80 का सी ते ये अराउंड $45 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी चेक. किन्ने का पे मेरे को एक्चुअली वो भी सी इन्हां दे की कहिंदे आ थोड़ा कैशबैक पिया सी, सो कैशबैक दे चक्कर दे विच मैनू थोड़ा जिहा सस्ता भी पिया सी. ओके, मैनू आ जिहड़ियां मैं ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 71.36 ਪਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ. ਲੈਟ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਆ, ਟੈਮੋ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ $10 ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਮੋ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $8 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੈਮੋ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ. ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ. ਓਕੇ ਨਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਕੇ ਜੀ ਦਾ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਹ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਪ ਆ, ਜੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਦਾ ਤਾਂ ਚੀਪ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਇਸ ਲਈ $80 ਦਾ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤਾਂ $45 ਦਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਈਸ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਕਸ ਹੋਈ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼. ਬਟ ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰੈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ, ਆਊ. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਊਂਗੀ. ਐਂਡ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਟੂਰ ਵੀ ਆਈ ਨੋ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. ਮਤਲਬ ਆਹ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ. ਸੋ ਮੈਂ 2 ਮੰਗਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਜੀਪ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾ, ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਪਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਊਂਗੀ ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਕਿ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ $2 ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਇਹ 2 ਸੀ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਰਾਈਸ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਸ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ 3 ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬਿਗ, ਸਮਾਲ ਔਰ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, 3 ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਰਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਰੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ, ਇਟਸ ਫੋਰ ਰਾਈਸ, ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ. ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ. ਓਕੇ, ਕੱਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਪ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਰਾਈਸ. ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਰਾਈਸ. ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਰਾਈਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ ਹੋਣ. ਸੋ ਓਪਨ, ਅੱਛਾ ਓਪਨ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ,
अच्छा इंदे वेच हव लाइक एयर क्रॉस करन ले या थोड़े जे पॉइंट्स आई गेस पता नहीं कहाँ दिली है मैंने नहीं पता इंदा ये नहीं पता सो इट्स ओके इन्हों में तो आज ज़्यादा दिन खुला है छड़ूंगी क्योंकि इंदे चो थोड़ी जी प्लास्टिक दी स्मेल आ रही है ते मैं नहीं चाहती कि राइस तो भी आन लग जे सो इट्स लाइक गुड क्वालिटी है मतलब प्राइस दे हिसाब ना प्राइस रेंज दे हिसाब ना इट्स गुड तो इन्हों मैं ओपन ही रखूंगी ताकि इंदे चो स्मेल जेड़ी और चले जावे ए सी लाइक अज जड़े मैं पैकेज मंगवाए थे तो मिल गए एंड आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल गाइस कि मैं अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई बट हुन नहीं चैलेंज कर पाई इट्स ओके क्योंकि मेरे को सच्ची इन्ना टाइम नहीं होंदा कि मैं एवरी डे व्लॉग पावा एंड इन्ना दिमाग नहीं हैगा मेरे को सच्ची नहीं हैगा कि मैं रोज़ रोज़ सोचा कि व्लॉग किंदे ते पाउणा सो जो भी है हुन मैं व्लॉग्स पाऊँगी जरूर पाऊँगी ऑब्वियसली ट्राई कि मैं एवरी डे पावा बट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनी चैलेंजेस एंड येस करम दा बर्थडे एज यू ऑल गाइस नो ऑन 16th बट वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन 18th सो आई वॉन्ट कि मैं लाइक मेकअप करावा थोड़ा जहा रेडी होवा थोड़ा जहा हेयरडू करावा इफ यू लाइक इफ तुहानू किसी नू भी पता कि इत्थे कोई फ्रीलैंसर होवे नॉट फ्री लाइक नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट लई आई विल पे फॉर लाइक डेफिनेटली मैं पे करूँगी उन्हों बट आई वॉन्ट के करे आके मेरा मेकअप हो जाए क्योंकि मेरा मेरे को इन्ना ज़्यादा काम आ कि मैं लाइक किचन का काम करना वा फिर घर की डेकोरेशन एंड ऑल स्टफ सो इन्ना टाइम नहीं होना कि मैं बाहर जावा तो मैं लाइक तैयार त्यूर होकर आवा सो इफ तुहानू किसी नू पता कि कोई फ्रीलैंसर है जो करे आके मेकअप कर सकता सो प्लीज़ मैं इंस्टाग्राम पर जरूर दस्यो तो ब्रैम्पटन च ही हो ठीक है सो ब्रैम्पटन च आके ताकि मेरा घर आके मेरा मेकअप कर दे बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि मैं बाहर ना जावा अवॉइड करा बट रेस्ट देखते हैं इफ कोई का अजकल दे विच मिल गया ठीक है नहीं तो मैं बुकिंग तो बाहर करवानी ही पैनी है आई विल ट्राई क्योंकि मैं जेड़े दीदी तो मैं अपना सारा पार्लर का काम करवानी हूँ वो मैं इतों मतलब 16 to 20 minutes की ड्राइव आ अराउंड 20 minutes की सो वो मैनू पता उन्होंने मैं तैयार भी कर देना मैं जेडे टाइम जाऊँगी उन्होंने मैं कर भी देना शी सो नाइस बट द थिंग इज कि मैं इन्ना टाइम नहीं है मेरे को मैं उत्थे जावा फिर आवा फिर मैं आ चीज़ा करा सो इफ कोई है कि जरा कर मेकअप कर सकता तो मैं इंस्टाग्राम पर जरूर दस्यो एंड थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में देखने लिए एंड मेरे ब्लॉग्स की वेट करन लई इस ब्लॉग नू एंड कर दिया तो थैंक यू सो मच लिटरली थैंक यू सो मच इन्ना सारा प्यार देने मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग में।